मरीज दहशत में है, खौफ में है। वजह है 5 प्रसूताओं की मौत। जी हां, जिला अस्पताल में लगातार हो रही महिलाओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद जांच अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों स्वस्थ बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की बाद में मौत हो जा रही है। दमों में प्रसूताओं की मौत से सनसनी, जारी है प्रसूताओं की मौत का सिलसिला। दमोह जिला अस्पताल में ये क्या हुआ? जी हाँ, दमोह जिला चिकित्सालय में इन दिनों मरीज दहशत में हैं और उनके परिजन खौफ में जी रहे हैं। वजह सिर्फ एक है कि इन दिनों अस्पताल में हो रही प्रसूताओं की मौत। दरअसल दमोह के जिला अस्पताल में स्वस्थ बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। यहाँ 4 जुलाई से अब तक 5 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 2 मासूम बच्चे भी काल की गाल में समा गए हैं। साफ है जिला अस्पताल में 5 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 5 प्रसूताओं की मौत की वजह क्या है। एक के बाद एक प्रसूताओं की मौत की वजह क्यों साफ नहीं हो रही है। पूरे मामले की जांच टीम ने जांच भी की है, लेकिन कोई ठोस कारण अब तक सामने निकल कर नहीं आया है। मामले की जानकारी जिला प्रशासन को भी है, जिन्होंने एक हफ्ते में जांच पूरी करने के साथ कार्रवाई की बात कही है। जो 4 जुलाई वाली ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, हम लोगों ने 4 जुलाई को जैसे ही ये शाम को संज्ञान में आया था, 5 जुलाई को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया था जॉइंट डायरेक्टर को, बाद में से वो 6 तारीख को यहाँ आ गई। 6 तारीख को उन्होंने सारी एक प्राइमरी इंक्वायरी, उसके बाद 9 तारीख को एक और जांच दल आया था, और मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक पूरी जांच उनकी कंप्लीट हो जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर लोगों ने अस्पताल प्रबंधन को शिकायत पत्र भी सौंपा है। इस मामले को लेकर मृतकों के परिजनों में काफी आक्रोश है और उन्होंने इस मामले की जांच करने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आज जो है मेरी भतीज बहू है उमा अख्तर, पति नईम खान, इसके लिए 2 तारीख को हटा अस्पताल लेकर जाया गया। हटा से दमोह रेफर किया गया, दमोह जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन किया गया 4 तारीख को रात में, और 4 तारीख को रात में ही तबीयत बिगड़ने के चलते सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। कारण पूछा गया तो बताया गया कि इंजन नहीं आ रही, बाथरूम नहीं आ रही। साफ है महिलाओं की लगातार मौत से अब जिला अस्पताल पर सवाल उठने तो लाजमी है। ऐसे में देखना होगा कि क्यों एक के बाद एक प्रसूताओं की मौत हुई है और इसकी क्या वजह है। टीम न्यूज़ स्टेट।